हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग चंद्र तिवारी, मैथ्स फैकल्टी इन ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट गोंदिया। टुडेज माय टॉपिक इज फंक्शन। आज हम लोग मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शन। हम लोगों को पता है ये जो आपका जो फंक्शन टॉपिक है और इनमें से सेट फंक्शन चैप्टर और इनमें से सेट फंक्शन चैप्टर ये कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है। ये कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है या इनमें से सेट बन रहा है, बट बी का तो इमेज नहीं बना, बी का तो इमेज नहीं बन रहा है ना, तो
मतलब कम से कम एक इमेज होने चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एक भी इमेज ना हो, तो कम से कम एक इमेज होने चाहिए और एक से ज्यादा भी नहीं इमेज होने चाहिए, क्योंकि फंक्शन को रूल को फॉलो नहीं करते, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। एक और लास्ट एग्जांपल देते हैं फंक्शन को पहचानने के लिए, और यू में से ग्राफिकल
ग्राफ से आप कैसे पहचान लोगे कि वो कब से नहीं है। तो किसी कर्व पर y एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करो, अगर वो लाइन कट तल पर ओनली एट वन पॉइंट तो वो क्या कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे। अगर एक पॉइंट से ज्यादा कट कर मोर देन वन पॉइंट तो वो फंक्शन नहीं कर रहे। तो ग्राफिकल अप्रोच क्या है, वो क्या है, वो एनालिटिकल अप्रोच। अब ग्राफ देखिए आप कैसे पहचान लोगे कि वो फंक्शन नहीं के लिए, तो आप कैसे पहचान सकते हो कि आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो लाइन कर्व को एक पॉइंट पर कट करता है तो फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन नहीं है। जैसे मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यू हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर दे आर फंक्शन ऑर नॉट। तो फर्स्ट में ग्राफ बनाना है आपको सर्कल के इक्वेशन, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो आप खुद बताओ मुझे कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो आपको मैं क्या बोला कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन नहीं। तो ये कितने पॉइंट पे कट करता है, एक यहां कट करता है और एक यहां कट करता है, ये दो पॉइंट पे कट कर दिया तो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। अब सेकंड में ग्राफ बनाता हूं sin x का। sin x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है तो आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की कितने पॉइंट पे कट करते हैं, एक पॉइंट पे ना, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। इसको मत आप ऐड कर लो, ये तो एक्सिस है ना, एक्सिस को हम ग्राफ के अंदर में नहीं रखते, हम लोग का ग्राफ तो ये पार्ट है। तो आपने ड्रॉ किया तो एक पॉइंट पे कट किया तो ये फंक्शन है। ये मत सोचना कि सर यहां भी तो कट कर रहा है, ये क्या है, एक्सिस है, एक्सिस को ग्राफ के अंदर नहीं रखते, एक्सिस को तो बस एक तरीका है जो ये बताना है कि ओरिजिन से हमारा ग्राफ कितना दूर है या फिर ओरिजिन से हमारा ग्राफ कैसे बिहेव करता है। थर्ड हम लोग ग्राफ बनाते हैं log x का। log x का ग्राफ क्या,